भारत और मालदीव का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे से शुरू हुआ विवाद अब अलग मोड़ पर पहुंच गया है। पहले बैकफुट पर दिखी मालदीव सरकार के तेवर अब बदल गए हैं। चीन के दौरे से लौटने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़्ज़ू ने ऐसा बयान दिया जो आग में घी की तरह था। मोइज़्ज़ू ने कहा कि उनका देश छोटा है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को उन्हें आग दिखाने का लाइसेंस मिल जाता है। इस बयान के कुछ घंटे बाद ही मोइज़्ज़ू ने भारत को मालदीव से अपनी सेना वापस बुलाने के लिए 15 मार्च तक का अल्टीमेटम दे दिया। बाद में दोनों देशों के अफसरों की बैठक हुई तो भारत भी इसके लिए तैयार हो गया। सोशल मीडिया पर भी यूजर्स अलग अलग तरीके से मालदीव और भारत की तुलना कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम आपको भारत और मालदीव की सैन्य क्षमता के बारे में बताएंगे। अगर मालदीव की सेना की तुलना भारतीय सेना से करें तो जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ भारत दुनिया में सेना के मामले में चौथे स्थान पर है, दूसरी तरफ मालदीव 160वें स्थान पर है। भारत की सेना थल, जल और वायु तीनों क्षेत्रों में मौजूद है। मालदीव में राष्ट्रीय रक्षा बल, क्विक रिस्पांस फोर्स, सुरक्षा समूह और तटरक्षक बल शामिल है। भारत सरकार अपनी सेना पर 11 खरब से ज्यादा खर्च करती है, जबकि मालदीव सरकार मात्र 3 अरब 40 करोड़ ही खर्च करती है। भारतीय सेना के पास राफेल, तेजस जैसे खतरनाक फाइटर जेट मौजूद हैं, जबकि मालदीव के पास एक भी फाइटर जेट नहीं है। मालदीव की सेना भारत की तरफ से दिए गए ध्रुव हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए करती है। कुल मिलाकर मालदीव भारत की सैन्य ताकत के आगे फिसलती है। मालदीव की सैन्य ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि साल 1988 में जब आतंकी मालदीव पर कब्जा करने की कोशिश में थे, तब भारत ने अपनी सेना भेजकर मालदीव को बचाया था। अब चलते चलते आपको ये भी बता देते हैं कि मालदीव में भारत की सेना के कुछ जवान क्यों हैं, जिनको आप मालदीव वापस भेजना चाहता है। दरअसल नवंबर 1988 में तत्कालीन राष्ट्रपति मोमून अब्दुल गयूम की सरकार के अनुरोध पर तख्तापलट की कोशिश को विफल करने के लिए भारत के सैनिकों ने सैन्य अभियान के लिए द्वीप में प्रवेश किया था। इस ऑपरेशन में भारतीय सैनिक राष्ट्रपति को सुरक्षित करने और विद्रोहियों को पकड़ने में कामयाब रहे थे। उसके बाद के 3 दशकों में मालदीव ने आमतौर पर इस प्रकरण में भारत की भूमिका की सराहना की थी, जबकि इंडिया आउट अभियान 2020 में शुरू हुआ। यही नहीं, करीब 10 साल पहले भारत ने मालदीव को 2 HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर लीज पर दिए थे। इसके अलावा ड्रोनियर 228 एयरक्राफ्ट भी दिया जा चुका है। भारतीय आर्मी के जवान इन क्राफ्ट्स की देखभाल करते हैं, इनको संचालित करते हैं, सैनिक डॉक्टर के तौर पर लोगों की सेवा करते हैं और वहां के पायलटों और सैनिकों को ट्रेनिंग देते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सर्वे का काम भी भारतीय सैनिक ही करते हैं। आपको बता दें कि भारत और मालदीव के बीच संबंधों में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि मोइज़्ज़ू सरकार अब तुर्की के साथ घातक ड्रोन समझौता कर रही है। मोइज़्ज़ू सरकार ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के दामाद की कंपनी के साथ 3 करोड़ 70 लाख डॉलर के एक समझौते पर साइन किया है। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।